सवेरा होता है तो गुड मॉर्निंग कहते, अभी क्या बोलूँ, गुड इवनिंग। अच्छा मधुबन, फिर ओम शांति भवन, हमारे गेस्ट ने ज्ञान स्वरूप तो देख लिया, अब पांडव भवन में ओम शांति भवन में बैठे हैं। विश्व भर में सभी को पता है अभी कि यहाँ भारत में मधुबन में पीस ऑफ माइंड की रिट्री चल रही है। तो पीस ऑफ माइंड क्यों कहा जाता है, पीस ऑफ बुद्धि क्यों नहीं कहा जाता है? क्वेश्चन है, पीस ऑफ माइंड क्यों कहा जाता है? चाले कोने में क्यों बैठा है, सामने आओ। सामने आओ, पीस ऑफ माइंड क्यों कहा जाता है? पीस ऑफ इंटेलेक्ट बोलो ना, नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा दुनिया में, कोई नहीं बोलेगा। मेडिटेशन क्यों करते हैं? पीस ऑफ माइंड के लिए, इसलिए करते हैं ना। चारों तरफ थोड़ा मेडिटेशन के लिए अच्छा सबको लगता है, ज़रूरी है। क्या चाहिए? पीस ऑफ माइंड चाहिए, पीस ऑफ हार्ट भी नहीं चाहते हैं। भाई दिल को चाहिए शांति? नहीं, दिल को चाहिए, दिल को चाहिए प्यार है? तो मन को आवे शांति है? ऐसे है? हाँ ऐसे, मुझे जवाब देंगे तो मैं आगे बढ़ेंगी। मन को चाहिए शांति, मन को प्यार चाहिए, मन को चाहिए शांति, फिर दिल को शांति चाहिए। शरीर में आत्मा है तो आत्मा शरीर में बैठे कहती है प्यार चाहिए, मन को शांति चाहिए। दोनों मिसिंग है। मन की शांति आई तो दिल में अच्छा प्यारा की फीलिंग आती है। दोनों मिलकर के फिर खुश हो जाते हैं, दिल मन। दिल को प्यार मिला, मन को शांति मिली, दोनों मिला तो खुशी आई। और दोनों को कैसे शांति भी कैसे आए, प्यार भी कैसे मिले, उसमें चाहिए सच्चाई, आर्टिफिशियल नहीं चाहिए। आर्टिफिशियल ने बहुत फंसा लिया, धोखा दिया, बहुत धोखा दिया है आर्टिफिशियल ने। दिल को भी धोखा और मन को भी भटकना, बहुत भटकना। इच्छाएं बढ़ती रहे, प्राप्ति कुछ भी नहीं। तो जूठ ने फंसा लिया, तो मेरे को बोला बताओ पावर ऑफ ट्रूथ। अच्छा तो दिल मन दोनों को क्या चाहिए? सच्चाई। सुनते जाओ, फिर कोई क्वेश्चन उठे तो बताना। दिल से पूछेंगे तो भी दिल कहेंगे भाई बहन क्या बताऊं, सच पता नहीं कहाँ है। और ये भी जानते खुद भी झूठ में फंस गए हैं। सोचना, बोलना, देखना, सबके साथ व्यवहार में आना, जैसे दुनिया वैसा खुद बन जाना,
अपने विवेक को भी दबा देना। भगवान तो दूर रहा पर विवेक भी बताता है ये सच है ये झूठ है। इंसान को विवेक है, मन भरे कितना भटके, बुद्धि ने न कर सके पर विवेक बताता है रांग है ये राइट है। कॉन्शियस बाइट करता अंदर से पर उसको दबा देते हैं। इतना झूठ का प्रभाव है। जिससे लिए पीस ऑफ माइंड नहीं है, प्रभाव जिसके ऊपर होगा तो लंदन में भी गुलजार दादी के दिनों में भी प्रोग्राम रखा था, अभी फॉलो अप में भी रखा था। मास्टर एंड योगी, मास्टर फिर है योगी। गुलाम को दुख होता ही है, गुलामी दुख देती है। कितना भी बड़ी बड़ी पोस्ट हो, पोजीशन हो, किसके भी अंडर दिखावा कितना भी बड़ा हो, पर उसके दबाव में चलने में बड़ा दुख है, अंदर दुख है, फ्रीडम नहीं है। सच्चाई से चलने की शक्ति नहीं है, झूठ से छूटने की शक्ति नहीं है। इसलिए खास जो पहले किसी को पता नहीं था मैं कौन हूं, परमात्मा कौन है, दो बातें मैं कौन हूं तो अपन को थोड़ा क्या समझा। मैं कौन हूं तो इनसे शरीर संबंध दुनिया जो कुछ है इसको यहां कर दो, अंदर जाओ। अगर मुझे सच को जानना है, देखना है, सच्चा बनना है, शक्ति चाहिए। देखने के लिए भी अंदर जाना पड़ेगा, जाने के लिए भी बाहर की बातों से फ्री होना पड़ेगा। सच को देखना जानना है, कहाँ से देखेंगे? इन आंखों से देखेंगे? इस बुद्धि से देखेंगे? सारी दुनिया आप लोगों ने देख ली, हमने भी देख लिया ड्रामा अनुसार। सच को कोई इन आंखों से देख सकता है? इन बुद्धि से जाना जान सकता है? है कोई बैठा हुआ यहाँ जिसे इसने बुद्धि से इन आंखों से सच को देखा हुआ हो? देखने की शक्ति नहीं है, जानने की बुद्धि नहीं है, फौरन बुद्धि चली जाती है। बेचारा मन भटकता रहता है, तो बुद्धि एकाग्र होकर के राइट क्या है रॉन्ग क्या है उस पर सोचने की भी उसको शक्ति नहीं है। बुद्धि को थोड़ी एकाग्रता चाहिए। सच झूठ को समझने के लिए भी बुद्धि को अंदर बैठ अंदर एकाग्रता चाहिए। अंदर इन आंखों से देखने वाली, इन बुद्धि से जानने वाले, भले आंखें खुली है पता है क्या है। इसलिए इंटरेस्ट इन आंखों से कहीं यहां बैठे होंगे ना, मन जहां जाएगा आंखें भी वहां बैठी, यहां आंखें नहीं देख रही है। जहां मन होगा ना वहां आंख होंगी उसको देखने जानने के लिए। बैठे होंगे एक जगह और मन और दिल दोनों इकट्ठे हैं आपस में शरीर में बैठे। दिल को कुछ दुख पहुंचा है
तो मन उससे दुखी है, काम ही बैठा है, दुखी मन बेचारा निर्बल है। परेशान है अभी, उसको अगर सच की इच्छा पैदा हो, भाई सच मुझे चाहिए, मन इच्छा दिल को कहता है प्लीज अभी तुम और इच्छाओं को छोड़, है इधर उधर ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए 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 को छोड़, तो मन दिल को समझाता है। अगर सच को जानना है, सच की पावर पहले जानूं, सच क्या चीज है, बस अंदर अनुभव करूं सच में कितनी खुशी है, कितनी शक्ति है, अंदर अपने आप को झूठ से फ्री करने के लिए पहला पुरुषार्थ झूठ से फ्री होना। इतनी सब बुद्धि आ जाए, मुझे मन की शांति चाहिए, तो शांति मिलेंगी सच्चाई से, टेम्परेरी शांति नहीं, थोड़ा समय मेडिटेशन किया तो शांति है, फिर देखो वही हाल, बहुत काल का अशांत रहने की आदत है। दुखी होने की आदत है, हमने भी कुछ गलतियां की है, कुछ क्या बहुत कुछ गलती है, वो अंदर विवेक बताता है तुमने भी कुछ किया है, और जिन्हों के साथ किया है वहां भी मन खुद भागता है, कहता हाँ, पर खींचता भी है वही करने के लिए, फिर छोड़ता भी नहीं है। तो मैं थोड़े टाइम में क्या बता के क्या बताऊं, पर एक बारी अच्छी तरह से दिल और मन का थोड़ा आपस में डायलॉग चले, कहा जाता है सच्ची दिल, ये नहीं है सच्चा मन, सच्ची दिल है। सच्चाई क्या है दिल, फिर मन को कहते हैं मैं भी बस तू शांत रहो, झूठ से अच्छा 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 झूठ से दिल मन आपस में मिल करके झूठ की आकर्षण, झूठ का धोखा, छोड़ने का भय, छोड़े तो कहाँ जाए, व्यक्ति वैभव आधार है, अधीनता है, झूठ में भय भी होता है, छोड़ भी नहीं सकते हैं, छूट भी नहीं सकते हैं। तो पहले अंतर ये सब बाहर की बातों को, जहां से झूठ देखा है, जाना है, धोखा पाया है, धोखा दिया है, फिर आगे चल के बताएंगे अभी नहीं, बहुत जन्मों से किया है, अच्छा किया है तो दिखावा बहुत अच्छा दिखाने के लिए किया है, सब लोगों को दिखा, उसमें अभिमान भरा हुआ है, जहां अभिमान है वहां झूठ है, तो ऐसे एटमॉस्फेयर में सबको ये तो अनुभव हुआ ही होगा, कदम रखते ही या वायुमंडल ही ऐसा है जो और कुछ सोचने देखने का न समय है न है देखने के लिए, माउंटेन्स ही है और अपने जैसे ही सफेद वस्त्रधारी है, और तो कुछ है ही नहीं, कहाँ जाए, हाँ,
या सच को मैंने भारत से बाहर जहाँ जहाँ भाई कोई अच्छी एक बहन मिली थी का कुछ समय पहले मेरे को अंदर से बहुत लगन थी, बहुत लगन थी, क्या करूँ कहाँ जाऊँ, कहा माउंटेन पर जाना है, माउंटेन पर जाना है, आवाज़ आता है माउंटेन्स पर जाना है, माउंटेन पर कहाँ जाना है, माउंटेन्स पर जाना है, रहने वाली है इजिप्ट की, बड़े पोजीशन में पड़ा सब कुछ, पर अंदर से खींचे मुझे सच चाहिए माउंटेन्स पर जाना है। तो माउंटेन्स की खींच ने उसको ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार करा लिया। वाइट कपड़ों वाला बैठा है, पर हमको देख लिया। और वहाँ पहले से पोस्टर लगे पड़े थे सारे शहर के अंदर, पीस पावर विजडम, तो दो तीन दिन पहले ही खींच करके बाबा के घर आई थी, कोर्स कर लिया। इतनी खुश, इतनी खुश, मुझे ये माउंटेन पर जाना है, माउंटेन पर जाना है और कुछ नहीं। बहुत पुरुषार्थ किया था, तो हम भी शुरू शुरू से ये माउंटेन्स पर क्यों आए, हम दुनिया के आवाजों से दूर, निगाहों से दूर, न देखने की न जानने की है, न इच्छा भी नहीं हो सकती कहाँ जाए, पर खींच होती है ऐसे एटमॉस्फेयर में। किसको खींच होती है पूछो, किसको खींच होती है, दोनों को, दिल को मन को, दोनों भागते हैं उठ के, कहाँ भी कोई भी देश में जाएंगे, कहाँ भी जाएंगे, दोनों कहेंगे हाँ बस फैसला कर लेंगे जाना है, फिर कोई रोक भी नहीं सकता। गलत रास्ते पर जाना है कोई रोक नहीं सकता, अभी अच्छे रास्ते पर जाना है तो कोई रोक नहीं सकता। कौन से रास्ते पर जाना है, कि सच के रास्ते पर जाना है, सच के रास्ते पर जाना है। वो कैसे शुरू कहां से होगा, स्टेप ये नहीं उठाना है, पर अंदर का संकल्प आया मुझे, संकल्प आते ही मुझे शांति चाहिए, तो शांति मिलेगी सच्चा बनने से, क्या मिलेगा, अंदर झूठ का तलाक असर दिखाई पड़े, ये झूठ है, ये पत्थर है, ये हीरा है, पत्थर इतने मोटे मोटे कितने भी होंगे, हीरा छोटा सा होगा, उसकी चमक वंडरफुल है। दूर से खींचता है, सच है, उसकी वैल्यू है, उसकी कुछ वैल्यू नहीं है, बस अंदर से बार बार ये आवाज आएगा मुझे सच चाहिए ना, दिल कहती है सच चाहिए ना, मन कहे हाँ हाँ मैं भी थक गया हूँ, थकावट है मन को बहुत, बटक बटक कर रहे, थका हुआ है बेचारा, तो दिल साथ देती है, ठीक है राइट है या नहीं बताओ सही, अगर दिल साथ न देवे तो मन बेचारा इतना थका हुआ भटका हुआ वो कैसे शांति से सोचे मुझे सच चाहिए, दिल साथ देवे। जब दिल साथ नहीं देती है ना,
तो ये कर्म इंद्रियां जो है और पुरानी आदतें जो है वो दिल की भी नहीं सुनती है, आदतें हैं, आकर्षण है, फिर भी खींचोगी ये नाम रूप देह दुनिया मोटे मोटे है बड़े, परंतु ये महीन है, उसके लिए पहले पहले ही बाबा हम बच्चों को समझाते थे, बच्चे सच को जानने के लिए बुद्धि विशाल दूरांदेश महीन चाहिए, बुद्धि प्राति बुद्धि, समझा, पीस ऑफ माइंड तभी आएगा जब बुद्धि विशाल दूरांदेश अंदाजा लगाए गलत क्या अच्छा क्या रंग क्या राइट, महीन चाहिए, डीप चाहिए। गहराई में जाएंगे गहराई में जाते पहले तो अंदर से दिल मन के मदद से बुद्धि को एकाग्र होने की शक्ति आई है, पावर ऑफ ट्रुथ, ट्रुथ पे सच की सो इच्छा हुई सच को जानने की, तो एकाग्रता आई, दिल मन को बुद्धि ने ठीक कर दिया, है सारी बुद्धि साइलेंस, सारी बुद्धि की कमाल है, पर ये साइलेंस अंदर जाओ, न कहाँ संकल्प जाता है न कहाँ इच्छा होती होती है, क्या कर मुझे सच चाहिए ना बस और कुछ नहीं, जैसे पागल, जैसे पागल कोई होता है ना बस एक ही बात करता है, पहले शुरू शुरू में कि तू पागल हो क्या, हाँ पागल है यही चाहिए ना, तो उसको कुछ भी 100 चीजें और दो ना, असम बुद्धि मानेगी नहीं, इच्छा होगी नहीं, वो मन कभी कैसा कभी कैसा, वो चले मानी डोले मानी छोड़ दी, दो बातें, चले मानी हो जाए फिर से नहीं हो सकता, समझ गया न होगा तो क्या होगा, अरे क्या होगा कुछ नहीं होगा, इतना मेरे से कुछ लोग तुम भय कैसे नहीं, अरे भय काहे का करूं किसका करूं, न होगा तो क्या होगा, ये भी न होगा तो क्या होगा, शरीर भी न होगा क्या होगा, पर न हो क्या होगा, सच तो होगा, सच तो होगा ना, ये सब न होगा तो क्या होगा, ये हमारे आधार पर चल रहे हैं, न मैं इनके आधार पर हूं, समझा, मैं इनके अधीन नहीं हूं, मैं अधीन हूं तो मेरे में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, मैं इनके उनके अधीन हूं, जो सच से दूर करने वाले हटाने वाले, और ये भी हर एक धर्म वाला हर एक इंसान मानेगा गॉड इज ट्रुथ, भगवान ही सत्य है, तो भगवान ही सत्य है, तो सत्य उसके तक पहुंचना है, तो ये नहीं कहेंगे मनुष्य भगवान है, नहीं भगवान ही सत्य है, भगवान कौन,
आंख जाती ऊपर। सत्य ताकत तक जानना है, पहले अंदर जाओ फिर ऊपर जाओ, पहले अंदर जाओ। अंदर जाने की पावर चाहिए। चिल्लाए मानी डुल्लाए मानी से छूटने की पावर चाहिए। दोनों बातें परेशान करती है, झूठ की बार बार भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपने तरफ खींचेंगे। यहां तो डराएंगे इनके बिना कैसे चलेगा तुम। इतना से दीन बना देते हैं। तो ये एक अंदर से लगन शुरू हो गई, तो अंदर गए, अंदर से लगन शुरू हुई। सच्चा मुझे सच को जानना है, सच्चा बनना है। सच्चा एक ही परमात्मा है, एक ही परमात्मा है। जो मेरा हो जाए तो मैं आत्मा झूठ से फ्री हो जाएंगी। वैसे नहीं होगी, शक्ति चाहिए उसकी। सत्य परमात्मा की शक्ति चाहिए आत्मा को। तो पहले आत्मा में अंदर है, जैसे आत्मा ही कहती है वो गॉड, वो ईश्वर, वो अल्लाह, आत्मा ही कहती है, शरीर नहीं कहता है। पर शरीर में आत्मा जब दुखी होती है, ये होती है, पाप करती, ऊपर जाती है बुद्धि, बुद्धि भी जाती है ऊपर जाती है, पर अंदर से जाती है। ऐसे ऐसे इसको बदल नहीं लेते हैं। कोई इंसान की मदद नहीं ले सकते। जब मुसीबत आती है, दुख होता है और शांति आती है, तो अंदर से उसकी मदद लेने चाहते हैं। मुझे झूठ में फंस गया हूँ, छूटूं कैसे, इसलिए मदद लेते हैं। तो अंदर से आत्मा निर्णय करती है बुद्धि के द्वारा। मन बुद्धि है ना, तो मन दिल ने मान लिया बुद्धि को अच्छी तरह, थोड़ा इसी संकल्प में शुद्ध शांत श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प में सत्य क्या है टीप जाते हैं। तो असल आत्मा, असल निज सत्य स्वरूप है। चैतन्य है ना, सत्य है। परंतु देश मन दुनिया में आत्मा से अमर है, शरीर छोड़ती धारण करती है, पर सत्यता की शक्ति खलास हो गई है, आत्मा से खलास हुई है। शरीर में बैठे विकारी कर्म बंधनों में फंस आदतों के भी मजबूर हो करके, स्वभाव और संस्कार भी ऐसे बन गए, तो आत्मा की निजी सत्यता की शक्ति जो आदि में असल थी वो खलास हो गई, 1% भी नहीं रही है। अभी लगन लगी है, फिर से रियलाइजेशन हुई है। पहले पहले जब हम बहुत पुरुषार्थ करना शुरू किया था तो यही अंदर से आवाज, बस अंदर खुद की रियलाइजेशन चाहिए। बहुत पुरुषार्थ करना सिर्फ की रियलाइजेशन चाहिए। हाँ हाँ जरूर चाहिए, ऐसे ऐसे विचार करते थे। अभी फाइनल हम कहते हैं
स्वयं की रियलाइजेशन चाहिए। रियलिटी क्या है? उसको जानना भी है, देखना भी है, पाना भी है। न सिर्फ जानना है, न सिर्फ देख करके खुश होना है, प्रभु मेरा हो जाए। कोई जवारी की दुकान पर मैं देख करके जवार अच्छे है हीरे देख करके खुशी हो गई तो क्या हुआ? अच्छे है, सच्चे है, बरोबर सच्चे है, पर तो वो मेरे हो जाए है? इतना ताकत चाहिए। झूठ को फेंक, सच को लेना। भले कागज के नोट होंगे लेंगे, हीरा छोटा होगा, कागज के नोट कितने होंगे? लाखों देंगे, तो हीरा छोटा होगा। झूठ कितना देखा, फेंक, सच को ले, फिर ये चमकने लग पड़ता है। क्योंकि अंदर से और सब इच्छा भी गई तो ममता भी गई, दोनों गई। एक इच्छा होती है चाहिए, दूसरा जो चाहिए ना उसमें ममता भी है, छूट न जाए। अब ये भी रियलाइजेशन चाहिए। इच्छा भी मर जाए, ममता भी छूट जाए, भले सब चला जाए, यहाँ पर छोड़ नहीं देते, उसको सफला कर देते हैं, सफल ही हो जाए, पर मेरापन न रहे। मेरा होगा तो पकड़ के बैठेंगे, तो सच आएगा नहीं। हम कहेंगे इसको पकड़ के बैठूं और सच को जानूं, इम्पॉसिबल है। मैं कौन हूं? अंदर जाऊं, मेरा क्या है? इसलिए हाथ सदाई ऐसा अच्छा लगता है, ऐसे रखो तो क्या कितना समय पकड़ के रखेंगे? कोई चलते चलते हमको कोई पकड़ लेवे तो डंडा लगता, भाई क्या अब कैसे छूटूं? तो अंतर मन से जो इच्छा ममता की मन में को पाने की और उसमें फंसने की, संकल्पों को देखो कौन सा होता है, पाने की फिर उसमें फंसे रहने की। अगर मुझे सच को जानना है तो न मुझे चाहिए, अगर है तो मेरा नहीं है, फ्री। तो अंदर से अपने आप को फ्री रखें तो अंदर जाएंगे। असल बुद्धि जाती नहीं है बाहर, ये डिफरेंट फर्क पड़ गया है तो भी ओके। ये दिल, ये दिमाग, ये दृष्टि बदल गई है। सच देखने की, सच जानने की, सच पाने की भावना पैदा हो गई है। देना है तो ये, लेना है तो ये। कहाँ से लाया? लगन से, परमात्मा बाप के संबंध से समझा, वो सत्य है, वंडरफुल है वो। पर अंदर से मुझे सच को जानना है तो झूठ से फ्री हो गई ना, तो अंदर आत्मा फ्री होने से ऊपर वाले से योग लगा, कनेक्शन जुटा। बड़ी बड़ी सभाओं में आजकल पूछते हैं तुम्हारा मेडिटेशन क्या है? अच्छा सुनो, मेडिटेशन क्या है? पोलैंड में गई थी, वंडरफुल, इतने सब हमारे समझते थे भाई ब्रह्मा कुमारियाँ पता नहीं क्या कर रही है,
क्रिश्चियन धर्म के खिलाफ बातें कर रही है, पर सब अब 5 साल कुछ सेवा करने नहीं दिया, अभी तो बिल्कुल बड़े प्यार से सुन रहे थे भाई। भगवान सबका एक सत्य है, उसका प्यार सबके साथ एक जैसा है, हर आत्मा के साथ वो देखता ही नहीं है हिंदू है या क्रिश्चियन है या मुस्लिम है। मेडिटेशन माने ही क्या है, तुम एक के रहो, एक के साथ रहो, हम सब उस एक के साथ उनसे पाएं, लाइट मिले, माइट मिले, लाइट मिले, लाइट माना ऐसे नहीं रोशनी मिले, पर समझ मिले, मेडिटेशन माना समझ मिले, शक्ति मिले, राइट पर चलने की शक्ति। जब रास्ता सच्चा साफ चलने के लिए मिलता है, फिर रूट चेंज करने का मतलब, बुद्धि का और तब जाने का मतलब, कौन लेके जाता है बुद्धि को, समझ की कमी। मुझे सच्चे के रास्ते पर जाना है, सच्चाई से जाना है, और अंदर गहराई में थोड़े समय के लिए भी डीप जा करके विचार करते हैं, अनुभव भी करते हैं, विचार भी करते हैं, अनुभव भी करते हैं, सच्चाई में शक्ति होने के कारण शांति आई है। ऐसे नहीं आई है शांति, सच्चाई की थोड़ा सा थोड़ा ही है, फिर खींच होती है। सच्चाई में शक्ति है बहुत। एक आत्मा असुर जो सत्य थी, सच्ची थी, वो झूठ से फ्री हुई है ना, तो पता चलता है मैं ये थी, पर कनेक्शन जुटा, पावर हाउस है, लाइट आ गई, माइट भी आ गई। लाइट आई, माइट आई, लगता है ये राइट पाथ है, अभी आगे बढ़ना है। कैसे, बस सच के रास्ते पर चलना है, सच को साथी बनाना है, आत्मा को सच का साथ मिला ना, बेचारी को शक्ति आ गई है। झूठ के कारण बुद्धि भटक रही थी, दिल की भावनाएं में झूठ भर गया था, दुख भर गया था, विश्वास टूट गया था, एक दो से विश्वास छूट गया, भगवान से छूट गया। किसी का भगवान, भगवान का नाम भी नहीं लो,